असल डी लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो और ये वीडियो है हाउ टू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च हमने आज तक जितने भी ऑंटरप्रनोर्स को इंटरव्यू किया है और उनसे हमने सबसे पहला सवाल अगर ये किया है कि जो ऑन्टरप्रन्योर्स बन रहे हैं यानी वो हमारे यंगस्टर्स जो ऑन्टरप्रनोरशिप की तरफ आ रहे हैं अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें एक लीडिंग वीकनेस जो उनमें पाई जाती है तो वो सबसे पहले यही बात करते हैं कि हमारे आने वाले ऑन्टरप्रन को मार्केट रिसर्च या मार्केट इंटेलिजेंस जो है मार्केटिंग इंटेलिजेंस का टर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये काफी वीक होते हैं। इन अदर वर्ड्स मार्केट सिर्फ कस्टमर से या कंपेटिटर्स से या प्रोडक्ट और सर्विसेस से भरी हुई नहीं होती मार्केट इंफॉर्मेशन से भी भरी हुई होती है एक बात याद रखिए इस वक्त रिसेंट लिटरेचर के अंदर इंफॉर्मेशन को सबसे अहम और क्रिटिकल रिसोर्स डिक्लेयर कर दिया गया है नॉलेज इज अ बिग रिसोर्स इंफॉर्मेशन इज अ बिग रिसोर्स मार्केट रिसर्च बेसिकली इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का नाम है इन अदर वर्ड्स अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो क्या आप डिसीजन इंट्यूशन intuit, पे लेंगे क्या इंट्यूटिव बेस्ड डिसीजन गारंटी है आपकी बिजनेस की सक्सेस की आंसर कुड भी यस बात इन ट्यूशंस काम कर जाती हैं, लेकिन इन को इस्तेमाल किया जाता है जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इन अदर वर्ड्स चाहे वो छोटा सा बिजनेस आइडिया हो इनक्यूबेशन सेंटर का चाहे वो दो तीन साल हो गए हो बिजनेस को चलते हुए चाहे वो मिड साइज फॉर्म बन गई हो चाहे वो लार्ज कॉरपोरेशन बन गई हो जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो हर एक के पास सबसे अहम और क्रिटिकल टूल इंफॉर्मेशन होती है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के लिए करनी पड़ती है आपको मार्केट रिसर्च इन अदर वर्ड्स मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक बाय द फिलिप कोटलर उन्होंने क्या दी है फिलिप कॉटलर कहते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक डिजाइन कलेक्शन एंड analysis एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा एंड findings relevant टू स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग बाय the कंपनी इन अदर वर्ड्स अगर आप ये देखें तो कंपनी फॉर्म या फिर इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर कोई छोटा सा आइडिया अगेन उसको कोई ना कोई सिचुएशन फेस तो करनी है चाहे वो सिचुएशन उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है चाहे वो सिचुएशन मार्केट की ग्रोथ है चाहे वो सिचुएशन अपने कंपैटर्स के अगेंस्ट को बेहतर स्ट्रेटेजी डिवेलप करना है उस एक सिचुएशन को मीट करने के लिए उसको मार्केट रिसर्च करना पड़ती है क्या है कि वो एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके हैप हैजर्ड नहीं एक सिस्टमैटिक वे में एक डिजाइंड वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि जो ऑन्टरप्रनोर है एक इनफॉर्म्ड डिसीजन ले सके अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत हमें क्यों महसूस होती है मार्केटिंग रिसर्च जो है कोई भी बिजनेस आइडिया या स्ट्रेटजी uh, मेरे ख्याल से मार्केटिंग रिसर्च अच्छी मार्केटिंग रिसर्च के बगैर नहीं हो सकती ना तो ना तो कोई अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप हो सकती है ना कोई बहुत अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है मल्टीपल सिचुएशन वो फिलिप कॉर्टर ने कहा ना एनी सिचुएशन फेस्ड बाई द कंपनी तो लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी को किस तरह की मल्टीपल सिचुएशंस का सामना हो सकता है जिसमें उसको मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत पड़ सकती है मिसाल के तौर पर आ, आपकी कोई फर्म है कोई मिड साइज फर्म है अब उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है और अगर आप इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो भी आपको जरूरत है एक रिसर्च की प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है आपकी सेल्स गिर रही हैं इट इज अ प्रॉब्लम आपके एम्प्लॉयज आपका बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं इट इज अ प्रॉब्लम आपकी जो प्रोडक्ट है उस वो बार बार रिटर्न हो रही है इट इज अ प्रॉब्लम आपकी कंप्लेन बढ़ गई हैं, इट इज अ प्रॉब्लम आपकी आफ्टर सेल सर्विस प्रोडक्ट और सर्विसेज की बढ़ गई है इट इज अ प्रॉब्लम सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बाकायदा रिसर्च की जरूरत है और रिसर्च का मतलब अगेन वही है कि आपने इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक एक डिजाइंड वे में कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है लाइकवाइज अभी आपसे हमने कुछ वीडियोस पहले बात की थी कि आप मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में और फिर सेगमेंट्स के बाद सेगमेंट्स को इवेल्युएट करते हैं साइज ऑफ सेगमेंट क्या है आपके फर्म्स के रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म की इस, उस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ये तमाम चीजें ये तमाम इंफॉर्मेशन अगेन इट रिक्वायर्स मार्केटिंग रिसर्च कोई मार्केट के अंदर नई अपॉर्चुनिटी आ गई है तो आप क्या करेंगे क्या आप भाग के उस ऑपरचुनिटी को ग्रैप करने की कोशिश करेंगे कि पहले थोड़ी सी रिसर्च करेंगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे अगेन वही कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं फिजिकल नॉन फिजिकल और क्या ये ऑपरचुनिटी मार्केट के अंदर जो तो आई है मिसाल के तौर तो पर गवर्नमेंट ने कोई टेंडर ही ओपन कर दिया है और आप चाहते हैं कि आप उस टेंडर के लिए अप्लाई करें उसको विन करें तो क्या आपके पास आपके फर्म के पास इतने फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज हैं कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा टेंडर आप ऑन टाइम जो है एक कम्पेटिव प्राइस के ऊपर उस पूरे ऑर्डर को डिलीवर कर सकें सो so, इसके लिए भी जमा करनी पड़ेगी आपको इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स योर मार्केटिंग रिसर्च लाइकवाइज जितनी भी कंपनीज हैं खास तौर पर जो मिड साइज फर्म्स हैं वो और जो लार्ज कार्पोरेशन है दे यू यूजली डू मार्केट सर्विस टू uh, understand the consumer preferences consumer इस वक्त क्या चाहता है आजकल तो टेक्नोलॉजी uh, ने मार्केट सर्विस बहुत आसान कर दी है अब तो ऑनलाइन जाके आप एक सर्वे की ऑप्शन खोल देते हैं और कस्टमर्स को कहते हैं कि आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस को क्लिक करते जाएं एंड आपको वो डेटा आता चला जाता है कुछ कंपनीज तो इतनी सीरियस होती हैं इस कंज्यूमर प्रेफरेंस सर्विस के बारे में कि उन्होंने इसके लिए कुछ रिसर्च फर्म्स हायर की हुई होती हैं कि जो उनके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती हैं आपने अपनी प्रोडक्ट कोई नई डिज़ाइन की है या उस प्रोडक्ट का प्रेफरेंस टेस्ट करना है आपने अपनी सेल्स को फोरकास्ट करना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी या सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपके लिए यूजफुल होंगी आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा बेहतर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन किस तरह से मिल सकती है आपने कंपटीशन को इवेलुएट करना है आपके कम्पैक्टर्स क्या कर रहे हैं किस प्राइस पर ऑफर कर रहे हैं किन सप्लायर्स के साथ उनके कनेक्शन हैं किन किन सेगमेंट्स में वो डील कर रहे हैं उनके फ्यूचर प्लान क्या हैं आपने मार्केट एक्सपैंड करनी है अपनी मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि अब आपने लोकल मार्केट जो है उसको अच्छी तरह कैप्चर कर लिया है जितना आपने पैनिट्रेट करना था कर लिया है अब आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशन हैं क्या एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं वहां पे कितनी तरह के टैक्सेस अप्लाई होते हैं किस तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपने प्राइस चेंज करनी है थिंक ऑफ अ सिचुएशन आप एक भी सिचुएशन सोचेंगे हर सिचुएशन में आपके जहन में सबसे पहले ये आएगा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत है ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बिना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता कमिंग बैक टू द पॉइंट मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस बहुत सिंपल और बहुत सादा है डेफिनेशन से आपने बहुत से स्टेप्स ऑलरेडी देख लिए होंगे आपकी आसानी के लिए हम उसको सिर्फ स्टेप वाइज बता रहे हैं ब्रेक डाउन करके सबसे पहले तो क्लियरली आपको यह पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम या अपर्चुनिटी जो आप जिसको आप हंट करना चाह रहे हैं वो है क्या यू नीड टू बी वेरी क्लियर और नंबर टू आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हैं क्या ये जो आप इतनी कैंपेन चलाने लगे हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है किसी एक्सटर्नल फॉर्म को आपने हायर किया हुआ है या आपने तीन चार लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लेकर आनी है पता चले कि जो प्रॉब्लम आपको है कि आपकी सेल्स गिरती चली जा रही है और मार्केट से वो जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आए हैं उस इंफॉर्मेशन में से आपको हेल्प नहीं हो रहा है ये आइडेंटिफाई करने में कि सेल्स गिर क्यों रही है सो अगेन योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वेरी क्लियर उसके बाद स्टेप थ्री में क्या है डिप अ कम्प्लीट रिसर्च प्लान आपके पास एक कम्प्लीट रिसर्च प्लान होना चाहिए आपके हाथ में आपने करना क्या है रिसर्च uh, प्लान की डिटेल्स में uh, मैं नहीं जा रही आई एम गोइंग टू ड्रॉप द डिटेल्स बिकॉज रिसर्च प्लान के अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि आप करेंगे क्या आप फील्ड में जाएंगे आप लोगों से इंटरव्यू करेंगे आप अखबार पढ़ेंगे आप स्टॉक एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन लेंगे कस्टमर्स किस तरह सेलेक्ट करेंगे अगर आपने मार्केट सर्वे करना है सैम्पलिंग टेक्निक्स आपकी क्या होगी डेटा एनालिसिस टेक्निक्स आपकी क्या होंगी ये काफी हद तक टेक्निकल हो जाता है बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट यू शुड हैव अ कंप्लीट रिसर्च प्लान चूंकि बहुत टेक्निकल होता है इसीलिए लार्ज खास तौर पे दो काम करती हैं या तो वो अपना पूरा आरएनडी का डिपार्टमेंट अलग से डेवलप करती हैं या फिर वो एक्सटर्नल जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं उनको हायर कर लेती हैं वो पूरा एक रिसर्च प्लान बना के उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली फिर जाके मार्केट के अंदर सर्वे करते हैं आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन से डेटा सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं क्या आपने जाके कस्टमर से फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करना है या फिर आपने कोई कंपैटर्स uh, की जो रिपोर्ट्स हैं एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो पढ़नी है या कोई आपके पास इंडेक्स है वो पढ़ना है या गवर्नमेंट की जो इशूड रिपोर्ट है वो पढ़नी है या आपने अखबार देखना है करना क्या है डेटा कहाँ से आएगा फर्स्ट हैंड या सेकेंडरी सोर्स फिर उसके बाद अगेन मैंने जैसे कहा था ये रिसर्च प्लान का हिस्सा है आपने साम्पलिंग टेक्निक बहुत ध्यान से चूज करनी है और बाई सैम्पलिंग टेक्निक मींस आप किन से डेटा लेंगे अगर आप प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं ऐसा ना हो कि आप हर उस कस्टमर से सवाल जाके पूछ लें जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं आपकी मार्केट सेगमेंट का सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल किताबों में आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स प्रॉबिबिलिटी नॉन प्रॉबिबिलिटी मिलेंगी वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट डिबेट एट द मोमेंट बट अगेन यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप जिनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मार्केट और ऑफ योर कस्टमर जितना डेटा आपके पास इकट्ठा हो गया आपने उसको ढंग से एनालाइज करना है और एनालाइज का मतलब यह है आप आपको मालूम होगा आपने इसकी पर्सेंटेजेस बनानी है इसकी चार्ट्स बनानी है मिसाल के तौर पर आपने पिछले पाँच दस सालों का डेटा इकट्ठा किया है कि किस तरह किसी एक खास सर्टन जो कंपैटर है उसके जो शेयर्स की प्राइस हैं वो ऊपर गई हैं और नीचे गई हैं या हमारी कंपनी के अंदर पिछले पाँच सालों के अंदर सेल्स का पैटर्न क्या रहा है सीजन वाइज क्या रहा है किस तरह से साइकिल चला है या हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसने जब फर्स्ट टाइम मार्केट में हिट किया था तो उसकी सेल्स कितनी थी आ, चार पांच साल हो गए हैं विद द सेम फीचर क्या प्रोडक्ट सेम उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि नहीं करी कि हमें प्रोडक्ट को जो है उसके फीचर्स को चेंज करने की जरूरत है यू नीड टू एनालाइज द डेटा डेटा बोलता है वो आपको बताएगा कि आपने क्या फैसला करना है अपनी फाइंडिंग्स को आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए और उसके बाद आप ले लेते हैं डिसीजन कमिंग बैक टू द पॉइंट मार्केटिंग इंटेलिजेंस का टर्म बहुत इस्तेमाल होता है अगर आप बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम के ऊपर जाए तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उससे ही आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस का अंदाजा हो जाता है कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस है क्या और होनी जरूर चाहिए एक ऑन्टरप्रन्योर में ये सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर भी कंसिडर किया जाता है सो डेफिनेशन इज प्राइमरिली एक्सटर्नल डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय अ बिजनेस अबाउट मार्केट पार्टिसिपेटिंग इन विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इन मेकिंग डिसीजन इन अदर वर्ड्स अगेन वही बात आ जाती है एक्सटर्नल डेटा चाहे वो आप रिपोर्ट से इकट्ठा करें या कस्टमर से इकट्ठा करें इकट्ठा करें, करें एनालाइज करें क्या करना चाहते हैं आप अपनी मार्केट अपने कस्टमर्स के बारे में एंटिसिपेट करना चाहते हैं जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपकी इंटेंशन क्या होती हैं कि आप एक अच्छा फैसला कर सकें एंड अगेन डिक्शनरी डॉट कॉम ने लिखा है कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या आप मार्केट में एंटर हो रहे हो किसी अपरचुनिटी को देख रहे हो या आपने अपने मार्केटिंग डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हों पैनिटेशन स्ट्रेटजीज बनानी हो आपको रिक्वायर होती है मार्केटिंग इंटेलिजेंस की सो इसीलिए लार्ज फर्म्स यूजुअली अपने पास मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करते हैं ये वही चीज क्या है कि सेट ऑफ प्रोसीजर सोर्स यूज बाय द मैनेजमेंट टू ऑबेंड एवरी डे इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरमेंट यानी जो कुछ मार्केट में हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे जमा होती रहती है और जितने भी जो अहम जिसे कहते हैं आपके मार्केटिंग मैनेजर्स हैं या आपके जो डायरेक्टर्स हैं या सी हैं या एडवाइजर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस रख सकते हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन तक और अब तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो जाते हैं जिनमें कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करती हैं और जब भी कोई अहम मीटिंग होती है तो उसी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन uh, को रिट्रीव किया जाता है और फिर उसके बाद देखा जाता है कि हमने क्या अहम फैसला करना है एट द मोमेंट जितनी भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो सिमुलेशन बेस्ड यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन डाल दी गई है और उसके बाद वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज को अप्लाई uh, करके देख रहे होते हैं और ये देख गेज कर रहे होते हैं कि इससे सेल्स कम होंगी कि बढ़ेंगी अगेन अगर आपकी फर्म एक मिड साइज है या एक लार्ज साइज फर्म है तो आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम की ज्यादा जरूरत है बट इफ यू आर यंग ऑनटर भी मार्केट में आंसर हो रहे हैं तो आप अपनी मार्केटिंग इंटेलिजेंस अपनी इंटेलिजेंस को और मार्केट इंफॉर्मेशन को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें ये आपके सक्सेस को इंश्योर करेगा सी यू द नेक्स्ट वीडियो